सो व्हाट्सअप एमएम फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एमएम वाइंस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्कूल के भविष्य के बारे में। तो चलिए बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं। तो मार्च 2020 एक बहुत ही अनोखी चीज हमारे सामने आई, जिसे देख के लग रहा था कि वो मच्छर की तरह इंसानों को मारे जा रहा था, और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे श्री जिनपिंग। आज उनके अवदान के वजह से हमारी दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, बस पूछो मत। उनके महान कर्म के वजह से आज अभी तक लोग घर में बंद पड़े हैं। यही तक नहीं, जो आजकल के बच्चे मोबाइल में कंप्यूटर्स में घुसे रहते हैं, उनका भी श्रेय बस इन्हीं को ही जाता है। खैर चलिए स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। पहली बार ऐसा हुआ था कि लोग बिना वजह घर में बंद कर दिए गए थे। तो घर के बाहर अगर एक पैर की उंगली भी बाहर रखते थे तो उंगली सूझ कर टमाटर बन के अंदर आती थी। तो इस टाइम में बच्चों को कैसे स्कूल भेजा जा सकता है, इसलिए स्कूल ऑनलाइन हो गया। पहले ये लोग अगर एक छोटा सा नोकिया का वो इंडेस्ट्रक्टिबल फोन मिल जाता था तो बस हमारे लग गए। लेकिन आप देखो पूरा का पूरा स्कूल इसमें घुस गया है। इसी चीज का श्रेय है कि अभी क्लास 3-4 के बच्चों के हाथ में वन प्लस आईफोन आ रहे हैं। और ये निब्बा निब्बी लोग क्या कर रहे हैं, माँ बाप का एज डाल के नॉटी चैट कर रहे हैं या फिर इंस्टा खोल रहे हैं, फिर अपने बायो में दे रहे हैं #feminist#daddysprincess #ये #वो और ना जाने क्या क्या। और फिर जब इनके क्लास शुरू होते हैं तो ये लोग बस अपने क्लास में लॉग इन करके एक साइड व्हाट्सएप में अपना बाबू सुना चला है। भाई मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने लॉग इन करके एक बार बस कुछ ज्यादा नहीं उल्टा सीधा कुछ नहीं बस गाना सुनने की कोशिश की, पीछे के दरवाजे से मम्मी आ गई और बस भाई चप्पल की कुटाई शुरू हो गई थी। भाई बहुत दुख भरा सीन था एकदम। इस कोरोना पीरियड में अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट हुआ है ना सच में, तो वो बस मोबाइल और कंप्यूटर्स के पार्ट्स बेचने वाले कंपनीज की। सोच रहा हूँ कि मैं भी एक मोबाइल और कंप्यूटर्स का कंपनी खोल लूँ, नाम होगा साइकिल अगरबत्ती मोबाइल्स। अगर उसे एक बार यूज करेंगे ना तो बस साइकिल अगरबत्ती की तरह जलना शुरू हो जाएंगे। है ना ये अच्छा आइडिया, कॉमेंट्स में जरूर लिखना कि आप इन्हें मोबाइल्स खरीदेंगे या नहीं। ऑनलाइन क्लास में अगर किसी की सबसे ज्यादा फट रही है ना तो बस टीचर्स की, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जहाँ पर टीचर्स ने खुद बेबस पड़े हुए हैं, क्योंकि वो उसने वहाँ पर मार नहीं सकते ना, इसलिए इन्होंने एक नया स्कीम लगाया है। इस स्कीम में स्टूडेंट्स को वीडियो ऑन करके बैठना पड़े रहा है, लेकिन हम स्टूडेंट्स भी निकले सवा शेर। कुछ भी हो जाए एक बार बोल देने से बस सब कुछ माफ। मैम देयर इज अ नेटवर्क इशू इन माय एरिया। बस अब कौन देखने आ रहा है। और अगर आप क्लास से निकाल दिए जाते हो तो कोई चिंता नहीं, दूसरे आईडी से घुस जाएंगे और वहां पर से भी फिर भी बवासीर फैलाएंगे। लेकिन भाई जो भी बोलो, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं यह खुद बोलना चाहता कि स्कूल में जो जाके मजा है ना वो इस ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिलता है। तो भाई लोग आज का वीडियो यहाँ तक ही था। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसी लगी है वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।